वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल इंफ्राटेक। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्राइवेट गिट सर्वर कॉन्फ़िगर किस तरह से करते हैं। हमने हल्का सा टच किया था जो कि बोनोवो गिट सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया था। उसके बाद हमने यूज़र भी क्रिएट किए थे, नंबर ऑफ यूज़र्स, यूज़र वन और यूज़र टू हमने क्रिएट किया था, और हम काफ़ी सारे यूज़र्स क्रिएट करेंगे। उस यूजर्स को हम अलग अलग टीम्स में डिवाइडेशन करेंगे, जैसे कि iOS टीम होता है, एंड्रॉयड टीम होता है, डिजाइनिंग टीम होती है, अलग अलग टीम्स वर्क होते हैं ऑफिस के अंदर, तो वो किस तरह से हमें मैनेज करना है ये सब कुछ हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हमने रिपोजिटरी भी क्रिएट की थी। अब इसके बाद हम आपके बाद दो रिपोजिटरी या दो से तीन रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और उन्हें हम परमिशन दे देंगे, अलग अलग यूज़र से हमें बाइंड करेंगे कि कौन सा यूज़र इस रिपोजिटरी को एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद हम बेसिक सी ट्रबल शूटिंग देखेंगे कि हमें क्या क्या किन किन चीज़ों के एरर्स आते हैं। उसके बाद हम ब्रांचेस क्रिएट करेंगे, अलग अलग ब्रांचेस कि मास्टर ब्रांच जो अब तक हमने बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच पे काम किया था, अब हम अलग ब्रांच पे किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, हम ग्रुप भी क्रिएट करेंगे कि किस ग्रुप में हम ये सब कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद हम जो भी कुछ हमने डेटा पुश किया था थोड़ी देर पहले, हमने पुश किया और अब मुझे लगता है कि ये डेटा मैंने गलती से पुश किया है, क्या हम वो डिलीट कर पाएंगे, तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। ब्रांचेस क्रिएट करने के बाद मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारे गलत ब्रांचेस क्रिएट किए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा, तो वो डिलीट किस तरह से करना है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, कई बार ऐसे होता है कि जो वीडियो मैंने शेयर किया है उसी को आप देख के खामोश बैठते हो। अगर आपको पूरी ट्यूटोरियल जानना चाहते हो तो यहाँ पे यूट्यूब पे जाने के बाद वर्चुअल इंफ्राटेक करके आप सर्च कर लो। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे मेरे चैनल का आइकॉन आएगा, इस चैनल पे क्लिक करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी आपको मिलेगा वहां पे, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा, ये प्लेलिस्ट है मेरी, ये बोनोबो गिट सर्वर या फिर पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पे कंप्लीट गिट का पड़ा हुआ है, आप प्ले ऑल करके यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कमेंट करना है तो यहाँ पे नीचे आके आप कमेंट भी कर सकते हो और यहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ चैनल है तो मुझे सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। यहाँ पे काफी सारे वीडियो मैंने बना के रखे हैं, तो आप वन बाय वन वीडियो देख लो और पूरी तरह से गिट सीख जाओ। ये सब कुछ होने के बाद हम चलते हैं गिट रिपोजिटरी। ये जो हमने पब्लिक सर्वर हमने क्रिएट किया था लास्ट टाइम, ठीक है, बोनोबो गिट सर्वर करके, यहाँ पे मैंने Azure पे किया है ये क्रिएट सर्वर। तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो कि इसे किस तरह से क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट की थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने काफी सारे यूजर क्रिएट किए हैं। अभी लास्ट टाइम हमने दो ही यूजर क्रिएट किए थे, यूजर वन और यूजर टू। अब मैंने यहाँ पे यूजर 10 क्रिएट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे टीम्स भी है, ये टीम्स, यहाँ पे सेटिंग्स है जो कि सेटिंग्स के बारे में हमने बात की थी। मुझे यहाँ पे लगता है कि इस सेटिंग में मैं कुछ चेंजेस कर पाऊंगा या मुझे करना है। यहाँ पे वर्चुअल इंफ्राटेक गिट सर्वर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये मेरा टाइटल बन गया। अगर आपके पास कोई कंपनी का लोगो है तो यहाँ पे लोगो का URL भी डाल सकते हो, अगर URL नहीं है तो यहाँ से ब्राउज भी करके डाल सकते हो आप। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ सेटिंग्स करनी है, अलाउ एनोनिमस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये अलाउ नहीं करना है मुझे, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है यहाँ पे। अगर मैंने कोई यूजर क्रिएट किया, वो यूजर रजिस्टर कर पाएगा किसी और यूजर को, उसे टैब दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक मार्क नहीं करूंगा। अलाउ यूजर रिपोजिटरी क्रिएशन। ठीक है, ये यूजर रिपोजिटरी क्रिएट कर सकता है, ये भी मुझे नहीं करना है, ये एडमिन ही रिपोजिटरी क्रिएट करना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे अलाउ पुश टू क्रिएट रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद इसमें क्या पुश कर सकते हैं हम।
ठीक है, मैं वो अलाउ करता हूँ क्योंकि मुझे पुश करना है डेटा। यहाँ पे अलाउ पुश फॉर एनोनिमस रिपोजिटरी, ये भी कोई भी आके इस रिपोजिटरी के अंदर पुश कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं अलाउ नहीं करता हूँ। ठीक है, मैंने एक ही क्रिएट यहाँ पे अलाउ किया है जो कि डेटा पुश कर पाए यूजर, जो भी मैंने यूजर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ये यूजर्स डेटा पुश कर पाए इस रिपोजिटरी के अंदर जो कि हमने क्रिएट किए हैं रिपोजिटरी। अब मैं क्या करता हूँ, जरा रिपोजिटरी के पास आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई रिपोजिटरी है, मुझे लगता है कि अभी ये डिलीट करना चाहिए रिपोजिटरी, तो यहाँ पे डिलीट बटन है, यहाँ से मैं क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया है। ये मेरी रिपोजिटरी डिलीट होने के बाद यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, अब ये डिलीट होके आएगी। ये डिलीट होने के बाद यहाँ पे कोई भी रिपोजिटरी शो नहीं कर रहा है, तो मैं क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ और फिर से हम नई रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। अब के बार मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले रिपोजिटरी क्रिएट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। ये है टीम्स, कंपनी के अंदर अलग अलग टीम्स वर्क होती हैं। अभी यहाँ पे वर्चुअल इंफ्रा टीम करके हमने क्रिएट की थी, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, हम फिर से क्रिएट करेंगे, ये हो गया डिलीट। अब मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास iOS, ठीक है, iOS डेवलपर है कुछ, जो कि कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे 10 यूजर, 10 यूजर, 9 और यूजर 8, ये जो डेवलपर हैं ये मेरे iOS डेवलपर हैं, जो कि मैकबुक के एप्लीकेशंस या iOS OS है, जो भी कुछ iOS उसके डेवलपर जो भी ऐप बना रहे हैं वो कौन से हैं यूजर्स, यूजर 9, यूजर 10 एंड यूजर 8। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं सेव। सेव करने के बाद यहां पे मेरी एक टीम बनेगी, यहां पे टीम बन गई iOS डेवलपर की, जो कि 3 यूजर मैंने असाइन किए हैं। अब फिर से मैं नई टीम क्रिएट करना चाहता हूं, जो कि मेरी टीम है एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड टीम है, तो मैं एंड्रॉयड टीम को करता हूं, हमने किया था 10, 9, 8, अब मैं करता हूं आपके पास 7, 6 एंड 5। ठीक है, इसको मैंने असाइन किया एंड्रॉयड टीम को 3 यूजर। अब मैं करता हूं .NET डेवलपर्स, ठीक है, .NET डेवलपर करके हैं मेरे पास, अब उनका टीम मुझे क्रिएट करना है। अब मैं करता हूं यहां पे 1, यहां पे आ गया 2 और यहां पे आ गया 3, ये 3 यूजर मैंने असाइन कर दिए। अब यहां पे और एक टीम मुझे असाइन करनी है, जो है डिजाइन टीम, वेब डिजाइनिंग टीम। ठीक है, वेब डिजाइन टीम है, अब यहां पे इनको असाइन करता हूं 4। ये एक ही यूजर है जो कि डिजाइनिंग कर रहा है, या 4, 5 कर देता हूं। ठीक है, ले लो 5 भी। यहां पे मैंने सेव कर दिया। अब जरा यहां पे ओपन करके देखते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है, टीम क्रिएट की है, सॉरी, ये एंड्रॉयड टीम के मेंबर है, यूजर 6, यूजर 7 और यूजर 5। ये एंड्रॉयड टीम के मेंबर है, तो इसको हम अगर चाहते हैं कि कुछ एडिट करना है, हमने गलती की है, तो फिर से हम एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं बैक आता हूं, अगर आपको डिलीट करना है तो यहां से भी डिलीट कर सकते हो और इसे ओपन करके यहां से भी डिलीट कर सकते हो। ये हो गई बात हमारे टीम की। एक कंपनी के अंदर वर्चुअल इंफ्राटेक के अंदर मेरे अलग अलग टीम्स काम कर रही हैं, जो कि है एंड्रॉयड टीम है, डेवलपर सॉरी .NET टीम है, iOS टीम है और वेब डिजाइनिंग की टीम है। और यहाँ पे ये मेरे 10 यूजर हैं, मेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने हायरिंग की है 10 यूजर, मेरी स्टार्टअप कंपनी है। तो ये टीम्स में अलग अलग यूजर्स काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि रिपोजिटरी क्रिएट कर लो। अब रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, ये जो मैंने टीम्स क्रिएट किए हैं, यूजर्स क्रिएट किए हैं, अब इनको काम देना है मुझे। मैं सोचता हूं कि कुछ यूजर्स एंड्रॉइड का काम करें,
ठीक है, ये एंड्रॉइड का काम करे, और ये जो कंपनी है मेरी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एंड्रॉइड का एप्लीकेशन चाहिए उसे। अब उस कंपनी का अगर लोगो है तो यहां पे हम लोगो भी डाल सकते हैं, यहां पे ब्राउज करके आप लोगो भी डालोगे। अब यहां पे आ जाती है बात एनोनिमस। एनोनिमस मैं एनेबल करता हूं, ठीक है। एनेबल करने के बाद यहां पे ग्लोबल आ रहा है, ग्लोबल आ रहा है, यहां पे नो आ रहा है, यहां पे एस भी आ रहा है, इसका हम मतलब जानेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम एनोनिमस की बात। यहां पे नीचे आता हूं फिर से, यहां पे मुझे इस रिपोजिटरी को यूजर असाइन करने हैं। मैं यहां पे डुप्लीकेट एक टैब बना देता हूं, डुप्लीकेशन के अंदर मैं जाता हूं यहां पे टीम्स में, और जरा देख लेता हूं कि एंड्रॉइड को मैंने किन किन यूजर असाइन किए हैं। यूजर 6, 7 और 5, यानी कि 5, 6, 7, ठीक है। अब मैं यहां पे देखता हूं यूजर 5, यूजर 6 और यूजर 7, ठीक है। यहां पे हमने थोड़ी सी गलती की है, ये जो भी कुछ हम नीचे क्लिक कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर के अथॉरिटी मिल रहे हैं उनको, तो मुझे इनको एडमिनिस्ट्रेटर के अथॉरिटी नहीं देनी है, ये मेरे पास सिर्फ एडमिन को ही अथॉरिटी दे के रखी है ऑलरेडी। अब यहां पे यूजर 5, यूजर 6, यूजर 6 कहां पे गया, ये रहा मेरा यूजर 6 और यहां पे यूजर 7, ठीक है। ये तीन यूजर हैं जो कि एंड्रॉइड पे काम करना चाहते हैं, और इनकी टीम कौन सी है, ये एंड्रॉइड टीम है। अगर मैं एंड्रॉइड पे क्लिक करूंगा तो भी चलेगा, या फिर मैं यहां पे पर्टिकुलर यूजर क्रिएट करूंगा तो भी चलेगा। यहां पे कंट्रीब्यूटर्स है, ये अलग अलग यूजर्स है। अगर मुझे लगता है कि इस टीम के अलावा एंड्रॉइड टीम मैंने सेलेक्ट की तो भी चलेगा। यहां पे मैं हटा देता हूं इस यूजर्स को, कि एंड्रॉइड पे जो भी कुछ काम करने वाले यूजर्स हैं वो जो टीम्स हैं यहां पे अवेलेबल है। मैंने यहां पे टिक मार्क किया और क्रिएट किया। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूं यहां पे फिर से ओपन करके देखेंगे कि ये एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, गिट URL बन के आ गई है मेरे पास, और ये पर्सनल URL। अब इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। ये एनोनिमस यस किया है, ग्लोबल किया है। अब यहां पे काम करेगी एंड्रॉइड टीम। यहां पे टीम कौन सी आ गई, एंड्रॉइड। ये एंड्रॉइड के अंदर हमने देखा 2, 6, 7 और 5, ये तीन मेंबर काम करेंगे इस टीम के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको ये मैं जो भी कुछ बातें बता रहा हूं या फिर इस टेक्निकल के बारे में बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को रिवाइज कर ले एक दो बार, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ये मैंने टीम क्रिएट की एंड्रॉइड, यहां पे यूजर्स क्रिएट किए, यहां पे रिपोजिटरी क्रिएट की। अब मैं क्या करता हूं, एंड्रॉइड ये जो रिपोजिटरी क्रिएट की है ये गिट URL है, ये गिट URL है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये एंड्रॉइड के लिए बनाया है, ये गिट URL के बारे में मुझे अगर बताना है तो मैं क्या करता हूं, और एक यहां पे रिपोजिटरी क्रिएट करता हूं। अब के बार मैं क्रिएट करूंगा रिपोजिटरी, रिपोजिटरी क्रिएट करना है मुझे .NET डेवलपर के लिए, ठीक है। .NET डेवलपर है मेरे ये, और ये कंपनी का काम कर रहे हैं, किसी और कंपनी का, जैसे कि मान लो HP का काम कर रहे हैं या फिर डेल का काम कर रहे हैं। डेल कंपनी ने मुझे प्रोजेक्ट दे दी और मैं यहां पे डेल कंपनी का काम कर रहा हूं, तो यहां पे डेल प्राइवेट लिमिटेड करता हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, डेल का अगर लोगो चाहिए तो डेल का लोगो भी ले सकते हैं हम, अगर चाहिए तो डेल, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। डेल का लोगो ले लिया मैंने, यहां पे सर्च करता हूं डेल का लोगो ले लेंगे। यहां पे मैं स्निपिंग IP टूल से, स्निपिंग टूल से ये मैं न्यू करता हूं। हम क्या करते हैं फिर से जरा इमेज में जाएंगे और ये कुछ लोगो ले लेता हूं मैं, यहां पे न्यू करता हूं। यहां पे मैंने सेलेक्ट किया
इस लोगो को लेना है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ या फिर डायरेक्टली सेव कर लेंगे हम इसको। मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे डेल करके डाल देता हूँ, डेल लोगो यहाँ पे मैंने सेव किया डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिपोजिटरी पे जाता हूँ और चूज फाइल करता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद जो डेल का लोगो था वो सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। यहाँ पे लोगो अटैच हो चुका है। अब ये जो रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी मुझे क्या करनी है, आपकी बार ये बार हमने क्या किया था, ये रिपोजिटरी इसको हमने ग्लोबल किया था, आई थिंक ये ग्लोबल किया था, अनोनिमस यस किया था। अब के बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नो कर देता हूँ। मुझे अनोनिमस चाहिए क्या, एनोनिमस पुश कर सकता है कोई, नो, तो मैं नो रखूंगा। उसमें हमने यस किया था। अब ये जो टीम है .NET डेवलपर टीम, इस टीम में कौन कौन है, तो इस टीम में यहाँ पे अवेलेबल है टीम जो कि .NET डेव करके है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जरा देखते हैं हमने कुछ सब कुछ ठीक ठाक किया है। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक किया है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोगो आ गया मेरा डेल का और ये रिपोजिटरी भी बन गई मेरी, ठीक है। ये सब कुछ बनने के बाद यहाँ पे मेरे दो कंपनी के प्रोजेक्ट बन गए। अभी मेरे पास दो कंपनी के प्रोजेक्ट बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि इस iOS डेवलपर ने इस दोनों कंपनी के iOS का काम करें, तो ये दोनों कंपनी iOS का काम करने के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ iOS। मुझे लगता है ये iOS टीम जो है ये डेल के लिए भी असाइन कर दूं मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल प्राइवेट लिमिटेड मैं करता हूँ सेलेक्ट और इस डेल का लोगो लेते हैं हम फिर से और मैं इसको कर देता हूँ एनोनिमस नो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया iOS टीम और मैं ये क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे डेल प्राइवेट लिमिटेड के पास दो टीम काम कर रही है जो कि .NET डेवलपर है और iOS डेवलपर है। ये दो टीम काम कर रही है लेकिन डेल को एंड्रॉयड का नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिजाइनिंग का काम है, डिजाइनिंग तो दोनों में भी करना पड़ेगा, डेल प्राइवेट लिमिटेड में करना पड़ेगा और वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड में भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं फिर से क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ और डिजाइन करके टीम रिपोजिटरी बना देता हूँ। इसमें आएगा वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड, मैं इसको एनोनिमस करता हूँ नो, या फिर अब के बार हम कुछ अलग करेंगे, इसको मैं एनोनिमस हटा ही देता हूँ, ठीक है। मैं ड्रैग करता हूँ नीचे और यहाँ पे डिजाइनिंग टीम ले लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने क्रिएट किया यहाँ पे डिजाइन टीम आ गई। मुझे लगता है कि डेल के लिए भी डिजाइन टीम हम असाइन कर देते हैं। फिर से मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे डिजाइन टीम कर दी मैंने और यहाँ पे डेल ले लेते हैं, डेल का फिर से लोगो ले लेते हैं और यहाँ पे अब की बार अनोनिमस कुछ भी हम टिक मार्क नहीं करेंगे। और जरा नीचे आता हूं मैं और यहाँ पे वेब डिजाइन करके क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ऐसे बोल रहा है, तो मैं करता हूं डेल डिजाइन टीम, ठीक है, डेल डिजाइनर ऐसे करेंगे। अब मैं करता हूं क्रिएट, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, डेल प्राइवेट लिमिटेड के पास डिजाइनर काम कर रहे हैं, .NET डेवलपर भी काम कर रहे हैं, iOS डेवलपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड में एंड्रॉयड डेवलपर काम कर रहे हैं और डिजाइनर भी काम कर रहे हैं। अब कुछ रियल कंपनी का सीन नजर आ रहा है। ये सब कुछ होने के बाद हमने यूजर क्रिएट किए, टीम क्रिएट की, रिपोजिटरी क्रिएट की और हर एक को हमने असाइन कर दिए यूजर्स। अब हम क्या करेंगे, डेटा पुश करेंगे इस सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर।
ठीक है। अब मैं मान लो मैं एक कोई प्रोजेक्ट ले लेता हूं, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक डेस्कटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये इंडेक्स पेज है, ये सब कुछ इमेज है, ये मेरी वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट में जरा ब्राउज करके देखता हूं, यहाँ पे इंडेक्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देख रहा हूं कि ये मेरी वेबसाइट ठीक ठाक चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। तो मैं इस वेबसाइट को पुश करता हूं, कहां पे पुश करूंगा, इस रिपोजिटरी के अंदर जो हमने क्रिएट किए हैं अब तक। अब मुझे लगता है कि मैं कोई डेल की वेबसाइट बना रहा हूं, ये डिजाइन कर रहा हूं, ये डिजाइनिंग जो भी कुछ है इस डिजाइनिंग के अंदर मुझे, अब मैं ये डेल डिजाइनर पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे मुझे रिपोजिटरी ब्राउज कर रहा हूं तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। और यहां पे जो ब्रांच आ रही है ये मास्टर ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहां पे डिटेल में देखता हूं तो यहां पे एक यूआरएल बन के आ रही है और ये भी यूआरएल बन के आ रही है, ठीक है। अभी ये जो यूआरएल है ये admin@bonobogitvirtualinfratech.me, ये पर्सनल यूआरएल क्यों कहा गया है, क्योंकि आप जब भी विजुअल कोड के अंदर काम करते हो, ठीक है, अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कोई काम कर रहा है विजुअल कोड के अंदर, अब ये जो यूआरएल है ये यूआरएल को मैंने यूजर असाइन किए हैं, ये दो एडमिन यूजर असाइन किया हुआ है और उसके बाद ये जो टीम है ये टीम असाइन की है, ये चार लोग ये टीम्स के अंदर के तीन, और ये जो एडमिन है ये लोग, ये जो चार एम्प्लॉयज हैं ये चार एम्प्लॉयज ही इसे में पुश कर पाते हैं, इस यूआरएल के अंदर डेटा पुश कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोई अलग यूजर से डेटा पुश कर रहा हूं तो वो पुश नहीं होगा, वहां पे एरर आएगा हमें। अगर ऐसे काफी सारे यूआरएल हैं गिट यूआरएल, जैसे कि रिपोजिटरी के अंदर मैं देख रहा हूं यहां पे डिजाइनर की एक यूआरएल बन के आ गई, फिर से मैं रिपोजिटरी में जाता हूं, .NET डेवलपर में जाता हूं, यहां पे एक यूआरएल बन के आ गई है, फिर से यहां पे जाता हूं iOS में, यहां पे एक यूआरएल बन के आ गई है। और ये जो यूआरएल अलग अलग बनाए हैं हमने, iOS के अलग मेंबर है, .NET के अलग मेंबर है, लेकिन आप एक बात देख रहे हो, ये जो पर्सनल यूआरएल है इसका मेंबर एक ही है जो कि एडमिन। एडमिन याद रखेगा क्या इस यूआरएल को फिर, या इस रिपोजिटरी को मैंने कौन से मेंबर असाइन किए हैं? अगर चाहें, अगर कुछ एरर आ रहा है, पुश कर रहे हो आप डेटा, बार बार पुश करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पुश नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो जब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है तो उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है, उसको सब कुछ परमिशंस होती हैं, हर रिपोजिटरी के अंदर वो डेटा पुश कर पाएगा, तो उस तरह से कुछ ये पर्सनल यूआरएल काम करती है। अगर आप इस पर्सनल यूआरएल से एक्सेस करोगे और आप डेटा कौन सी यूजर से पुश करने की कोशिश करोगे, जो कि वेब डिजाइन के अंदर है, यूजर 5 और 4, ये जो 5 और 4 जो यूजर है ये इससे भी डेटा पुश कर पाएंगे और एडमिन से भी डेटा पुश कर पाएंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को पता है यहाँ पे काफी सारी रिपोजिटरी, अगर 100 रिपोजिटरी है, 200 रिपोजिटरी है, तो वो ट्रबल शूट करते वक्त या कुछ प्रॉब्लम आता है तब पुश कर रहा है डेटा, तो क्या वो हर एक रिपोजिटरी के अंदर जाके चेक करेगा कि इस रिपोजिटरी को मैंने कौन सा यूजर असाइन किया है, या फिर इस रिपोजिटरी को यही यूजर डेटा पुश कर पाएगा? इस हेडेक से बचने के लिए यहाँ पे एक यूआरएल है जो कि ये पर्सनल यूआरएल एडमिन इसमें डेटा पुश कर पाएगा 100%। उसको बार बार जाके देखने की जरूरत नहीं है कि इस यूआरएल को मैंने कौन कौन से यूजर असाइन किए हैं, ठीक है। बस यही है इस पर्सनल यूआरएल का मतलब। रही बात गिट यूआरएल, ये जो यूआरएल है ये मैं असाइन करूंगा। अब मैंने असाइन किए हैं इस यूजर को, वेब डिजाइनर के जो भी कुछ यूजर है इस यूजर को मैंने ये यूआरएल असाइन किए। ये जरा देख लेते हैं कि ये यूजर 5 से अगर मैं लॉग इन कर रहा हूं क्या मुझे रिपोजिटरी शो करेगी,
यूजर FIVE5 करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ यूजर 5 का, ठीक है, और मैं साइन इन करता हूँ। जैसे ही मैंने साइन इन किया तो यहाँ पे मुझे सब कुछ URL नजर आ रही है, लेकिन मैं .NET Dev पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा, यू डोंट हैव परमिशन, इसको मैंने परमिशन नहीं दिए हैं। अगर मैं वही डिजाइनर डेल डिजाइनर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे URL ओपन हो रही है ठीक से, और यहाँ पे मैं रिपोजिटरी ब्राउज कर सकता हूँ। लेकिन वही चीज अगर मैं एंड्रॉयड के अंदर करूँगा तो ये भी एक्सेस कर पा रहा है। ये इसलिए एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर यूजर कौन सा यूजर है, 5 यूजर हमने असाइन किया है, ठीक है, ये इसलिए एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। फिर से मैं अगर बैक लेता हूं और यहाँ पे डिजाइनर के अंदर जाके जरा देख लेते हैं कि ये जो यूजर्स हैं वेब डिजाइन के अंदर, यहाँ पे 4 और 5 है, 4 हमने किसी को असाइन नहीं किया है, तो 4 से मैं एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे यूजर 4 करके डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैं लॉग इन करता हूँ। जैसे ही मैंने लॉग इन किया तो यहाँ पे अब की बार एंड्रॉयड एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि एंड्रॉयड जो भी कुछ है ये 4 यूजर हमने उसे असाइन नहीं किया था, अब सिर्फ डिजाइनर ही एक्सेस हो जाएगा जो कि हमने इसे परमिशन दिए हैं। एडमिन से तो सब कुछ एक्सेस कर पाएगा। अब की बार मैं सोचता हूं कि यूजर 1 से लॉग इन करूं, ठीक है, यूजर 1 से मैं लॉग इन करता हूं और पासवर्ड डाल देता हूं। मैंने लॉग इन किया, ये जो यूजर 1 है हमने किस किस को असाइन किए थे, ये iOS को नहीं ओपन हो रहा है, ये .NET डेवलपर को हमने असाइन किया है यूजर 1, 2 एंड 3, ये इसलिए एक्सेस कर पा रहा है, ये हमने सब कुछ परमिशन दिए हैं ठीक से। क्या अब मैंने ये यूजर लॉग इन किए हैं, अगर मैं ज्वाइनिंग हो गया कंपनी के अंदर, मैं हूं यूजर 1, ठीक है, मैंने ज्वाइनिंग होने के बाद मुझे लॉग इन दिए गए हैं, मैंने लॉग इन किया यूजर वन से मैंने लॉग इन किया और अब मुझे क्या करना है, रियल प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। अब मुझे तो पता है यूजर 1 के अंदर लॉग इन करने के बाद मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप .NET डेवलपर हो, ये इस रिपोजिटरी पे आपको काम करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिपोजिटरी को कॉपी कर लूंगा, और जैसे ही मैं कॉपी करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो भी कुछ रिपोजिटरी है इसके अंदर जो भी कुछ डेटा है ये मैं क्लोन कर लूंगा। अब मैं कंपनी के अंदर नया फ्रेशर बंदा ज्वाइनिंग हो गया, अब कंपनी काफी दिनों से काम कर रही है, .NET डेवलपर अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि डेवलपर 1, 2, 3 काम कर रहे हैं इस रिपोजिटरी पे, और मैं नया बंदा आ गया, अब मुझे काम करना है नए प्रोजेक्ट पे, इसे ही कंटिन्यू करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आऊंगा डेस्कटॉप के ऊपर और मैं सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जो कि प्रो है, ये डेल प्रो करके मैं डालता हूँ, डेल प्रोजेक्ट, ठीक है, डेल प्रोजेक्ट मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर क्या करना है, क्लोन करना है। अब कंपनी काफी दिनों से काम कर रही है तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विजुअल कोड ओपन करूंगा और इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे हम। ओपन फोल्डर करता हूँ, डेल प्रोजेक्ट मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। डेल फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेल प्रोजेक्ट करके मेरे पास एक फोल्डर आ गया, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर न्यू फाइल करके मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब तक कंपनी ने कहाँ तक काम की है वो मुझे सब कुछ डाउनलोड करके लेना पड़ेगा। डाउनलोड करके लेने के लिए मैं क्या करूँगा, विजुअल कोड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लूँगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं करता हूँ गिट क्लोन, ठीक है, गिट क्लोन करता हूँ और इस रिपोजिटरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो रिपोजिटरी है इसको मैंने किया कॉपी, और यहां पे करते हैं हम
पेस्ट। जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया तो मैं गिट क्लोन उस रिपोजिटरी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर किया। अब ये क्लोनिंग हो रही है और ये क्लोन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, यू अपीयर टू हैव क्लोन एन एम्प्टी रिपोजिटरी। ये सच में एम्प्टी ही है, अब तक हमने कुछ इसके अंदर डेटा ही नहीं डाला। रिपोजिटरी ब्राउज कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्प्टी आ रही है, ठीक है, लेकिन कंपनी फ्रेशर है, कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, ये सब कुछ अभी अभी बन के रखा है, फिर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से क्लोन कर लेंगे। अब क्लोन करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे जरा आता हूँ, डेल प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे .NET Dev करके मेरे पास फोल्डर आ गया और इस फोल्डर के अंदर .git करके एक फाइल बन के आ गई। अब इस फाइल के अंदर क्या है, ये एक रिपोजिटरी बन गई, ये लोकल रिपोजिटरी बन गई मेरे पास। अब .git हाइड फोल्डर जब बनता है तब लोकल रिपोजिटरी बनती है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ git status। git status करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ls करता हूँ, ls के अंदर .NET Dev नजर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए मैं करूंगा cd और यहाँ पे डॉट टाइप करके टैब प्रेस करूंगा, वो ऑटोमेटिकली फेस कर लेगा। अब मैं करता हूँ एंटर, .NET Dev के अंदर आने के बाद ls-h कर रहा हूँ तो यहाँ पे डॉट गिट करके फोल्डर मुझे शो हो रहा है। h से क्या होगा, हाइड फाइल शो होंगी, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ गिट स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस करने के बाद यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि नथिंग टू कमिट, यहाँ पे आपके पास कोई भी फाइल्स नहीं है और आप कमिट करने के लायक ही नहीं हो, यहाँ पे कुछ फाइल्स ही नहीं है आपके पास। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट तो अभी एम्प्टी प्रोजेक्ट है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स पेज बनाना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है तो मैं ये हम डेमो पर्पज यूज करेंगे। लेकिन नया अगर बंदा है, ये काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, नई फाइल्स बनाएगा, इंडेक्स पेज बनाएगा, बूटस्ट्रैप डाउनलोड करेगा, ये सब कुछ करने के बाद वो कुछ इस तरह से बनाएगा। अब ये काम कर रहा है, इतना सारा उसने ऑलरेडी काम करके रखा है। इसने क्या किया है, कंपनी ज्वाइनिंग होने से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, इतना इसने प्रोजेक्ट पे काम किया। अब क्या हो रहा है, अब इसे प्रोजेक्ट, ये डेल प्रोजेक्ट .NET डेवलपर है, तो इसको यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं फिर से आ जाता हूँ विजुअल कोड के अंदर और यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फाइल्स नजर आ रही है। ये जो फाइल्स हैं, ये गिट स्टेटस करने के बाद यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल्स आ रही है। अनट्रैक्ड इसलिए आ रही है कि इसको हमने अब तक गिट के अंदर स्टेजिंग एरिया में लेके नहीं आया है, ये अनट्रैक्ड है। गिट क्या बोल रहा है कि मैं इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे फाइल्स नजर तो आ रही है, अगर ये फाइल मुझे गिट के अंदर ऐड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गिट इनिट इस बार हमने नहीं किया। गिट इनिट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने डेटा क्लोन किया था, ऑलरेडी हमने रिपोजिटरी क्या की है, डाउनलोड की है सेंट्रल रिपोजिटरी से, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे लोकल रिपोजिटरी बनाने की जरूरत नहीं है, हमने सेंट्रल रिपोजिटरी ऑलरेडी डाउनलोड की है, कहां पे, लोकल में, ये लोकल रिपोजिटरी ऑलरेडी बन गई है। अब के बार मैं करूंगा गिट ऐड करता हूं, ऐड क्या क्या करना है, सब कुछ करना है, तो आप स्टार लगा सकते हो या फिर डैश डैश ऑल कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो या फिर डॉट लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार लगा के देखेंगे, स्टार का तो मैंने अभी तक नहीं किया था, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, क्या ये होगा, ये तो हो गया, ठीक है। गिट स्टेटस करता हूं तो ये सब कुछ फाइल्स जो भी कुछ है, ये मेरी फाइल्स कहां पे आ गई, स्टेजिंग एरिया में आ गई, ये अनट्रैक्ड जो भी कुछ फाइल्स थी ये अब ट्रैक हो गई है। अब गिट बोल रहा है कि मैं इसको ट्रैक कर पा रहा हूं, आपको अगर काम करना है तो आप कर सकते हो, गिट स्टेटस किया था तो ये ट्रैक हो रही है फाइल। अब मैं ये स्टेजिंग एरिया की जितनी भी फाइल्स हैं इसको मैं कमिट कर सकता हूं, अब ये कमिट करने की लायक बन गई है। अगर गिट बोल रहा है कि मैं इस पे काम कर सकता हूं तो हम क्या करेंगे, काम कर लेंगे फिर। अब मैं काम कर लेता हूं डेल प्रोजेक्ट पे, ये सब कुछ मैं फाइल्स बंद कर देता हूं, सबसे पहले ये जितने भी फाइल्स हैं मैंने क्लोज कर दिए और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके डेल प्रोजेक्ट पे आके यहाँ पे .NET Dev पे यहाँ पे
इंडेक्स पेज में मैं क्या करता हूँ, एडिट पेज करता हूँ, और एडिट पेज करने के बाद यहाँ पे कुछ कोडिंग कर लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे गैलरी आ रही है, गैलरी को मैं क्या करूंगा, गैलरी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, गैल करेंगे, और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव किया, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ अभी, और विजुअल कोड के अंदर जाता हूँ। ये सब कुछ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है मेरा .NET Dev, तो यहाँ पे इंडेक्स पेज जो है यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से जाके किया है, आप वहां से भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फिर से टर्मिनल पे आ जाता हूँ और गिट स्टेटस करता हूँ। गिट बोल रहा है कि आपने मॉडिफाई किया है इंडेक्स पेज के अंदर। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या मॉडिफाई किया है, ठीक है, तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे मॉडिफाई क्या किया है। यहाँ पे देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि तो गिट डेफ करके हम कमांड डालेंगे, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस मॉडिफाई की हुई फाइल को इसे हम स्टेजिंग एरिया में लेके आएंगे। सबसे पहले गिट एड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब की बार क्या हो गया, गिट स्टेटस करता हूं, अब की बार यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में सब कुछ फाइल जा चुकी है। अब मुझे चेक करना है गिट डेफ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, या फिर गिट डेफ करते हैं तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आया। ये इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि हमने अब तक कुछ कमिट ही नहीं किया है। जब हम कमिट करेंगे तब हमें डिफरेंस बिटवीन नजर आएगा ये सब कुछ। ये डिफरेंस के बारे में हम आगे अलग कोई टॉपिक के अंदर देखेंगे, ठीक है। ये कमांड रन नहीं हो रही है, ये अलग टॉपिक में हम देखते हैं। ये सब कुछ होने के बाद गिट स्टेटस किया हमने, ये सब कुछ करने के बाद अब स्टेजिंग एरिया में ये मेरे पूरे के पूरे फाइल्स हैं। अब मुझे क्या करना है, गिट पुश करना है, ठीक है। गिट पुश, सबसे पहले तो ये सब कुछ करने के बाद हम गिट कमिट करेंगे और मैसेज डाल देते हैं, ये फर्स्ट साइट है मेरे, ठीक है। ये कमिट किया मैंने, कमिट करने के बाद अब मैं देखता हूं गिट स्टेटस, यहां पे कोई नजर नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। कमिट करने के लिए यहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पुश कर सकते हैं, रिपोजिटरी के अंदर हम पुश कर सकते हैं। अब पुश करने के लिए मैं क्या कमांड है मेरे पास, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर, यहां पे एंटर करता हूं मैं। एंटर करने के बाद हमने सबसे पहले यहां पे कैंसिल कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये कैंसिल इसलिए कर रहा हूं, अब हम जरा ऊपर जाएंगे यहां पे, ठीक है। ये सब कुछ हम किस रिपोजिटरी के अंदर काम कर रहे हैं ये अगर देखना है, किस रिपोजिटरी के अंदर काम कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट किया, सब कुछ किया, हमने यूजर ऐड किए नहीं किए, वो आपको करना चाहिए था, ठीक है। ये सब कुछ देखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब मैं कौन से यूजर पे काम कर रहा हूं, तो उसके लिए है गिट कॉन्फिग ग्लोबल, ठीक है, और यहां पे आ जाएगी, नहीं तो हम ऐसे लिस्ट भी कर सकते हैं। यहां पे लिस्ट किया मैंने, अब यहां पे हमिद यूजर पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे ये हमिद तो ठीक है यूजर है, लेकिन रिपोजिटरी कौन सी रिपोजिटरी पे काम कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए है गिट रिमोट माइनस वी करते हैं, ठीक है। यहां पे ये रिपोजिटरी पे काम कर रहा हूं मैं, ये रिपोजिटरी कहां से आ गई, हमने तो इसको ऐड भी नहीं किया था,
ये इसलिए आ गई है क्योंकि हमने जो भी कुछ सेंट्रल रिपोजिटरी से ये डेटा जो क्लोन किया था उसने लेके आया है, ठीक है। ये रिपोजिटरी से वो डेटा लेके आ गया, उसने क्लोन किया है यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ये डॉट गिट फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये सब कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ये सब कुछ मेंटेन करता है, एक डेटाबेस की तरह काम करता है, ठीक है। ये होने के बाद हम अब पुश कर सकते हैं। अब मैं करूंगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। अब जरा मैं यहां पे फिर से पोर्टल पे जाएंगे हम, और ये डॉट नेट डेव जो रिपोजिटरी है इसको मैं ब्राउज करता हूं या फिर डिटेल में चले जाते हैं। डिटेल में जाने के बाद यहां पे मुझे दिख रहा है कि डॉट डेव जो है इसके यूजर हैं यूजर 2, यूजर 1 और यूजर 3। क्या ये यूजर 4 से डेटा पुश कर पाएगा, तो जरा देख लेते हैं क्या ये यूजर 4 से पुश कर पाएगा। यूजर 4 मैं करता हूं और यहां पे पासवर्ड डाल देता हूं। यहां पे बोलेगा कि बोल दे भाई, क्या बोलेगा, फेटल ऑथेंटिकेशन फेल फॉर, ये फेटल एरर आ रहा है यहां पे, ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है क्योंकि हमने इसे परमिशन दिए ही नहीं है। ये यूजर 2, यूजर 1, यूजर 3 को ही परमिशन दी है, इसलिए अब वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अब यूजर 1 से हम फिर से डेटा पुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेटा मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से मुझे फैटल एरर ही आ रहा है। अब मैं कुछ भी करना चाहता हूं, मुझे फैटल एरर ही आ रहा है। अब मुझे वो कब पूछेगा, ये ऑथेंटिकेशन कहां से पूछेगा, मुझे तो पूछ ही नहीं रहा है ये। अब मैं आपकी बार क्या करूंगा, उसके लिए मुझे करना है कंट्रोल पैनल में विंडोज आर करता हूं, यहां पे कंट्रोल पे जाता हूं। कंट्रोल में जाने के बाद यहां पे यूजर्स एंड अकाउंट्स में जाके यहां पे क्रेडेंशियल मैनेजर में जाता हूं और यहां पे विंडोज क्रेडेंशियल्स में जाके इसको मैं जरा मैक्सिमाइज करके यहां पे देख लेते हैं। ये जो गलत यूजर जो हमने डाला था यूजर 4 वाला, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी इसके हटाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आज के डेट में हमने कहां कहां पे चेंजेस किए। ये यूजर 1 है, ये यूजर 4, यूजर 4 से हमने लॉगिन किया था तो फेल आया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। और ये यूजर 1 से भी हमने लॉगिन करने की कोशिश की थी, या शायद मैंने की होगी, ये एडमिन है सॉरी। और यहां पे यूजर 1 है, इसको भी मैं हटा देता हूं और अब करेंगे इसको मिनिमाइज। और फिर से मैं कोशिश करता हूं गेट पुश ओरिजिन मास्टर करने की, और ये मुझे फिर से यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। अब की बार मैं डालता हूं यूजर 1 और यहां पे पासवर्ड डाल देता हूं, ठीक है। यूजर 1 मैंने पासवर्ड डाल दिया, डेटा पुश हो रहा है मेरा, ठीक से मेरा डेटा अब पुश हो गया है। अब जरा देख लेते हैं कि यह सच में पुश हुआ है। यहां पे बैक आ जाता हूं मैं, बैक आने के बाद यहां पे फिर से रिफ्रेश करेंगे, फिर से रिफ्रेश करता हूं, यहां पे एरर आ रही है, ठीक है। यहां पे रिपोजिटरी पे क्रिएट कर क्लिक करेंगे, .NET Dev पे आ जाता हूं और यहां पे रिपोजिटरी ब्राउज करता हूं, तो यहां पे डेटा मेरा पुश हो गया। यहां पे कमिट भी आ गया है, कमिट हमने किया था फर्स्ट साइट, ठीक है। ये रिपोजिटरी का डेटा, ये सब कुछ कहां पे आ गया है डेटा, ये मास्टर ब्रांच के अंदर आ गया। ये मेरी बाय डिफॉल्ट ब्रांच होती है। अगर सेंट्रलाइज रिपोजिटरी के अंदर आप कहीं पे भी गिटहब पे क्रिएट करो, बिट बकेट पे या फिर प्राइवेट गिटहब पे, ये मास्टर ब्रांच होती है, डिफॉल्ट ब्रांच होती है। और जो ओरिजिन 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 बोलते हैं हम, वो है रिमोट का नाम। उस रिमोट का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे और किसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब ये डिटेल पे क्लिक करने के बाद ये मेरा डेटा तो पुश हो गया है सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर। ये डिटेल पे क्लिक कर रहा हूं, ये मेरा यहां पे रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होके आ गया है, ठीक है।
ये हमने क्या किया था, एनोनिमस यस किया था, ठीक है। और यहां पे एनोनिमस पुश कौन कौन कर सकता है, एनोनिमस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे सेटिंग्स किए थे। अब जरा हम यहाँ पे सेटिंग्स में चेंजेस करना चाहते हैं, जरा मैं बैक आता हूँ और यहाँ से लॉग आउट करके यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एडमिन से लॉग इन करता हूँ। इसका पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप एडमिन रखोगे तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे .NET डेवलपर में जाता हूँ मैं। .NET डेवलपर में जाने के बाद यहाँ पे एडिट सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे करना है एनोनिमस जो भी कुछ है यहाँ पे हटाना है। इसका मतलब क्या है, एनोनिमस कोई भी लॉग इन कर सकता है, हाँ, डेटा पुश कर सकता है, नहीं, इसका मतलब, ठीक है। और इसका मतलब भी सेम है, एनोनिमस कुछ भी नहीं है, डेटा पुश कोई कर सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये कोई भी नहीं कर सकता क्या, ये भी यूजर नहीं कर पाएगा डेटा पुश? जरा हम देख लेते हैं। ये सेव किया मैंने, सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटिंग्स बन गई मेरी कि एनोनिमस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्लिक नहीं है, यहाँ पे पुश एनोनिमस कोई कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जो भी कुछ क्रेडेंशियल थे ये हम फिर से हटा देते हैं और यहाँ पे यूज़र मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे यस किया, इसको रिमूव किया और मैं यहाँ पे विजुअल कोड के अंदर जाता हूँ और डेटा पुश करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मुझे एवरीथिंग अप टू डेट बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे ज़रा देख लेता हूँ कि यूज़र, ये मैंने फिर से ऐड किया हुआ यूज़र है, ये मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यूज़र वन को फिर से हटा देता हूँ यहाँ से, और अदर कोई यूज़र है बोनोबो गिट, ये यूज़र वन है, इसको भी हटा देते हैं हम। यहाँ पे github.com, ठीक है, ये रहने दो, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया। और फिर से मैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर से यूज़र मुझे पूछ रहा है। अब मैं करता हूँ यूज़र वन, ठीक है, नो, ये मेरा पासवर्ड, और मैंने इसको क्लिक किया, एवरीथिंग अप टू डेट, यानी कि ये लॉगिन हो गया है फिर से, ठीक है। गिट स्टेटस करता हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फिर से पुश कर पाएगा डेटा, क्योंकि ये सब कुछ क्या हो रहा है पता है आपको, यहाँ पे लिंक है, यूज ग्लोबल लिंक फाइल सेटिंग्स, ये जो सेटिंग्स हैं ये सब कुछ लिंक है यहाँ पे, ये .NET के अंदर ये सब कुछ यहाँ से आप में परमिशन मिल रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैंने एडिट किया, एक मिनट, यहाँ पे मैं पीछे बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद यहाँ पे रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे हम। रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद .NET Dev पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एडिट करते हैं हम। एडिट करने के बाद यहाँ पे एनोनिमस यस करता हूँ और ग्लोबल सेटिंग्स जो भी कुछ हैं वो नो कर देते हैं, या फिर ग्लोबल क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। ये ग्लोबली सब कुछ अभी क्या होगा, ये एनोनिमस मैंने क्या किया है, एनोनिमस पुश, ये कोई भी अकाउंट हो गिट पे, या फिर चाहे आप गिटहब पे हो, या फिर सेंट्रल रिपोजिटरी प्राइवेट पे हो, या कहीं पे भी हो, आपका अकाउंट होना चाहिए सिर्फ लॉगिन करने के लिए, तो आप पुश कर पाओगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव किया मैंने सेटिंग्स, और अब के बार क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं ये गिट पुश करते हैं, तो यहाँ पे एवरीथिंग अप टू डेट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये यूज़र, जो भी इसका क्रेडेंशियल सेव है इसको मैं हटा देता हूँ। ये पूछना चाहिए हमें कि आप डेटा पुश कर सकते हो। ये जो यूजर है, कौन सा यूजर, .NET Dev के अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर हम पुश कर रहे हैं डेटा, ये जो मेरी रिपोजिटरी है इसके अंदर हम पुश कर रहे हैं .NET Dev के अंदर, ये क्या यूजर, GitHub का यूजर, मैं यहां से अगर पुश करने की कोशिश करूंगा तो वो पुश हो पाएगा? तो अब की बार मैंने कहा है कि एनोनिमस कोई भी पुश कर सकता है, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा में चेंजेस करेंगे, क्योंकि रियल सिनारियो बन जाएगा, तो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पे नोटपैड में आ जाते हैं और यहाँ पे गैल करके, और यहाँ पे ऐसे करके मैं टाइप करता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सेव किया
और यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ। गिट स्टेटस करने के बाद ये फाइल्स में मैंने चेंजेस किए हैं और अब मैं इसे ऐड करता हूँ स्टेजिंग एरिया में। गिट ऐड यहाँ पे डॉट करता हूँ, स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गया। गिट स्टेटस करता हूँ, ये मॉडिफाई हो गई है फाइल। अब मैं इसे कमिट करना चाहता हूँ, गिट कमिट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मैसेज देना है, यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे मैसेज करके देता हूँ, ठीक है, मैसेज वन। अब मैं करूँगा यहाँ पे सेव, ठीक है। ये सब कुछ सेव करने के बाद अब मुझे डेटा पुश करना है। पुश करने के लिए गिट पुश ओरिजिन मास्टर पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा पुश हो गया है। ये इसलिए पुश हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडेंशियल हमारे सेव है, ठीक है। ये क्रेडेंशियल सेव है, यानी कि कोई भी डेटा पुश कर सकता है। यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, यहाँ से फिर से रिमूव कर देता हूँ। ये सब कुछ रिमूव करेंगे हम, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी पुश कर सकता है डेटा, ठीक है। ये अब रहने देते हैं। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा पुश करता हूँ, यहाँ पे पुश हो रहा है फिर से। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी डेटा पुश कर सकता है, एनोनिमस, यानी कि कोई भी, ये ओपन है, इसको कोई भी पुश करेगा, ठीक है। हम जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे सेटिंग्स क्या की थी हमने। यहाँ पे एनोनिमस यस किया था। अब हम करते हैं ग्लोबल, ठीक है। एनोनिमस पे क्लिक किया और ग्लोबल किया है, ठीक है। अगर इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे टिक करना ही पड़ेगा। अब मैं ग्लोबली देखते हैं। अब यहाँ पे सेव किया मैंने, सेव करने के बाद अब ग्लोबल में क्या चेंजेस आएंगे वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, जो भी कुछ क्रेडेंशियल्स हैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर से आ जाते हैं हम और यहाँ पे फिर से पुश करने की कोशिश करते हैं। अब की बार वो यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे अदर यूजर्स डाल दूंगा जो कि गिटहब पे यूज़र है मेरा, वर्चुअल इंफ्रा, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, वर्चुअल इंफ्रा, और इसका पासवर्ड है, ये मैंने किया क्लिक, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एरर आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब इसे यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ फिर से और यहाँ पे फिर से पुश करने की कोशिश करते हैं। अब की बार करेंगे हम यूजर वन और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और ये डेटा एवरीथिंग पुश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब हम डेटा पुश करने की कोशिश कर रहे थे, एनोनिमस यस किया था मैंने, तब मुझे क्रेडेंशियल पूछ ही नहीं रहा था। ये पुश करते हो पूछ ही नहीं रहा था, ये ग्लोबल किया तो क्रेडेंशियल पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नो भी करूँगा तो भी क्रेडेंशियल पूछेगा, यहाँ से हटाएंगे तो भी क्रेडेंशियल पूछेगा। ये सब कुछ जो भी सेटिंग्स हैं ये कहाँ पे मैनेज हो रही है, इस सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो भी कुछ सेटिंग्स किए हैं हमने, असाइन किए हैं परमिशन, ये टीम्स को हमने यूज़र असाइन किए हैं, उस यूज़र के हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इसके अंदर हमने देखा कि हमने ये गिट सर्वर कॉन्फ़िगर किया, यूज़र क्रिएट किए, टीम्स भी हमने क्रिएट की, प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट किए, परमिशंस दिए, हमने ट्रबल शूटिंग भी कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से आती हैं, अगर डेटा पुश नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि अब मैंने ये गलती से मैंने क्या किया, डेटा पुश किया है। अब मुझे क्या लगता है, ये सब कुछ जो भी कुछ किया है मैंने, गलती से डेटा पुश किया है। तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या किया जाए, तो डेटा को डिलीट किया जाए, जो भी डेटा हमने पुश किया है उसको डिलीट किया जाए। इस डेटा को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास बहुत ही अच्छी कमांड है, गिट आरएम, ठीक है, कैच, ये कमांड है कुछ, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है,
हमें उस फाइल का नाम देना है जो कि डिलीट करना है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैं इंडेक्स फाइल डिलीट कर दूं, index.html मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर क्रिएट सेलेक्ट करता हूँ। एंटर करने के बाद अब मुझे आगे गिट स्टेटस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डिलीटेड index.html। ठीक है, ये फाइल डिलीट की है और एक अनट्रैक्ड फाइल आ रही है जो कि हमने मॉडिफाई किया उसके अंदर। अब मुझे इसे कमिट करना है, गिट कमिट, और यहां पे डिलीट फाइल करता हूं, डिलीट इंडेक्स पेज। मैं एंटर करता हूं, अब क्या हो गया, यहां पे डिलीट हो गई फाइल। क्या ये लोकल रिपोजिटरी से डिलीट होगी ऐसे करने से? जरा देख लेते हैं। यहां पे डेल प्रोजेक्ट पे आता हूं और यहां पे देखता हूं ये लोकल रिपोजिटरी से डिलीट नहीं हुई है। तो फिर से क्या करेंगे, गिट स्टेटस करेंगे और यहां पे लोकल रिपोजिटरी के अंदर से अभी हम चेंजेस करना चाहते हैं और अब हम पुश करेंगे डेटा को और यहां पे ओरिजिन करता हूं और मास्टर। ठीक है, ऐसे करने के बाद क्या मेरी ये सेंट्रल रिपोजिटरी से फाइल डिलीट हो गई, ये देखते हैं हम। यहाँ पे आ गया, मैं रिपोजिटरी के अंदर आता हूँ, यहाँ पे .NET Dev पे आ जाता हूँ। .NET Dev पे आने के बाद रिपोजिटरी ब्राउज करता हूँ और यहाँ पे मुझे इंडेक्स पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे पुश करना चाहता हूँ इंडेक्स पेज, तो वही सब कुछ करना है हमें। क्या चीज, यहाँ पे गिट स्टेटस कर रहा हूँ, अनट्रैक्ड फाइल आ रही है, गिट मुझे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, स्टेजिंग एरिया में आ चुकी। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में आने के बाद जरा देख लेते हैं, गिट स्टेटस किया, स्टेजिंग एरिया में आ गई। यहाँ पे मुझे गिट पुश करना पड़े, कमिट करना पड़ेगा। कमिट करता हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ पुश इंडेक्स पेज। यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे करना है पुश ओरिजिन मास्टर। ये अब मेरी पुश हो चुकी है। अब जरा देख लेते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं फिर से। यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे इंडेक्स पेज होके आ गया। ये कमिट मैंने जितने भी अब तक चेंजेस किए, ये आपकी बार चेंजेस किया था पुश इंडेक्स पेज, ये डिलीट किया था इंडेक्स पेज, और ये मैसेज वन मेरा और ये फर्स्ट साइट, ये सब कुछ हमने अब तक किया है। ठीक है, अब ये करने के बाद ये डिलीट किया था हमने पुश फाइल। ठीक है, अब हम क्रिएट करेंगे ब्रांचेस। अब तक हमने देखा था कि ये सब कुछ देखा हमने, अब हम करेंगे ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। ब्रांचेस क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि मैं अदर वीडियो ही बना दूं, अब ये काफी बड़ा हो गया है वीडियो। अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम ब्रांचेस क्रिएट करके देखते हैं कि अलग अलग ब्रांच पे किस तरह से काम किया जाता है। अब की बार यहां पे देख रहे हो एक ही ब्रांच है जो कि मास्टर ब्रांच है। आपको आई होप आपको पता चला होगा कि यहाँ पे रिपोजिटरी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये डेल प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे इस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर यहाँ पे 3 रिपोजिटरी है मेरे, और वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर यहाँ पे 2 रिपोजिटरी है। ये सब कुछ कंपनी आपकी ठीक ठाक काम कर रही है, और ये जो .NET डेवलपर है ये इतने ही काम किए हैं जो कि वेबसाइट ये डेवलप कर रहे हैं कुछ, और इनके ये कमिट आईडी है। ये यहाँ से क्लोन भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है मेरा, ये मैंने ओके किया, ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, सॉरी इसको हटा देते हैं। तो ये क्लोन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे टैग भी लगा सकते हैं कि क्या चीज के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्रांचेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, ब्रांचेस क्यों यूज करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।